समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि यूपी में 2022 में सपा की सरकार बनने पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके पहले उनकी मौजूदगी में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा सहित गोंडा से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे मसूद आलम खान, बसपा के लाल चंद्र गौतम और खुदीराम पासवान सहित कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थामा। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि तमाम दलों के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं और बहुत से लोग शामिल होना चाहते हैं। कई छोटे दल भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और छोटे दलों के लिए सपा ने अपने दरवाजे हमेशा से खुले रखे हैं और वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा की ही सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। सरकार के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। नोटबंदी और लॉकडाउन इसके ताजा उदाहरण हैं। लॉकडाउन में पैदल अपने घर जाते समय 90 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई। सरकार ने किसी की भी कोई मदद नहीं की। नए कृषि कानूनों पर कौन भरोसा करेगा? ये कानून किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। यह सरकार किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, किसी को आतंकी बता सकती है, किसी को देशद्रोही बता देगी। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, जबकि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलती है। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज, लखनऊ।